Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. Myself Maunil Shah, and today we are here to discuss how to fill the examination form for November 2020 examinations. आज ही ICAI ने एक notification बाहर निकाला है जिससे कि आप examination forms fill up कर सकते हो specifically for CA foundation students who are going to appear in November 2020. इसमें वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड है जिसने मई के अंदर अप्लाई किया था लेकिन मई वाली एग्जाम आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो इसीलिए द मई अटेम्प्ट इज ऑल्सो शिफ्टेड टू नवंबर 2020. सो ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर 2020 के अंदर सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स देने वाले. तो शुरू करने से पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए वो मैं आपको याद करवा दूं. सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी. ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता क्या है, वो एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा. आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर से भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म की लिंक मिल जाएगी. वहां से आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसकी एक प्रिंटआउट निकालनी है, उसके अंदर आपकी जो डिटेल्स पूछी है वो आपको फिलअप करके सीए के साइन और स्टैम्प करवाना है, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना रहेगा. वो सारी की सारी प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं. सेकेंडली आपको चाहिए होगा 12th की मार्कशीट, उसका जो सीट नंबर है वो आपको आईसीआई के एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करना रहता है, और आपका जो डब्ल्यूआरओ नंबर या सीआरओ नंबर जो भी आईसीआई ने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है वो आपको जरूरत पड़ेगा. तो ये सारी चीजें आपके पास रखना, ऑन हैंड रखना, ताकि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठो तो आपको वो सारी चीजें ढूंढनी ना पड़े. तो आपको यहाँ पे icaiexam.icai.org के ऊपर आपको लॉग इन करना रहेगा. icaiexam.icai.org आपके स्क्रीन के ऊपर वो वेबसाइट ओपन दिख रही है आपको. इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. icaiexam.icai.org के ऊपर जाने के बाद आपको इस तरीके से एक स्क्रीन नजर आएगी. तो स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर वाला एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है. उसमें जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो उनको यहाँ पे वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है. और जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, उन लोगों को न्यू यूजर रजिस्टर हियर जो लिखा है वहां पे क्लिक करना रहेगा. तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर हियर पे कौन लोग क्लिक करेंगे, जो नवंबर 2020 में फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हैं. बाकी लोगों के पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो उन लोगों को यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना एंटर करने के बाद वो लॉगिन करना रहेगा. लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा वाला एक पेज ओपन होगा. इसमें आपको पूछा है सिलेक्ट एग्जामिनेशन, तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करना है. बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे आपको, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आपको आपका जो डब्ल्यूआरओ नंबर या सीआरओ नंबर जो आईसीआई की तरफ से आपको दिया गया होगा, आपको एक मैसेज भी आया होगा आईसीआई की तरफ से, वो आपको वहां पे एंटर करना है. प्रीफिक्स में आपका डब्ल्यूआरओ सीआरओ जो भी है, और बाजू में जो न्यूमेरिक आपको नंबर दिया हुआ होगा आईसीआई की तरफ से वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा. वो नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने वहां पे लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको करेक्टली मेंशन करनी पड़ेगी, जो आईसीआई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालोगे आपका नाम बाजू में अपियर हो जाएगा. उसके बाद आपको डालना है प्राइमरी ईमेल आईडी. द प्राइमरी ईमेल आईडी इज द सेम ईमेल आईडी विच यू हैव एंटर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो आईसीआई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो मेल आईडी एंटर किया था वही मेल आईडी आपको यहाँ पे भी एंटर करना रहेगा. तो वो मेल आईडी आपको एक्चुअली दो बार एंटर करना रहेगा, प्राइमरी ईमेल आईडी और नीचे लिखा हुआ है री एंटर प्राइमरी ईमेल आईडी. तो आपको वो दोनों जगह पे आपका ईमेल आईडी जो है वो करेक्टली यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपका वेरिफिकेशन के लिए एक आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको. नीचे री एंटर प्राइमरी ईमेल आईडी के अंदर आपको वही का वही ईमेल आईडी आपको वापस से रिपीट करके यहाँ पे लिखना है. सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई और दूसरा मेल आईडी है बैकअप के लिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है. नीचे मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपने आईसीआई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहां पे मेंशन किया था. ये मोबाइल नंबर के ऊपर भी आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी बाद में जनरेट होकर आ जाएगा. यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद नीचे आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करो. यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया हुआ है आई कंफर्म करके, उसके ऊपर क्लिक करो, और वो टिकमार्क आ जाने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करो. रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा. वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको नोट करके रखना है, क्योंकि जब भी आप icaiexam.icai.org की वेबसाइट पे जाओगे तो कंपलसरीली लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही आप उसके अंदर लॉगिन करके कोई भी चेंजेस कर सकते हो. जैसे कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर कोई भी करेक्शन करना है, या आपको रिजल्ट देखना है, या कोई भी चीज है, तो
वो इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, और ये आपको कहीं पे नोट डाउन करके रखना। उसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो तो आपको ऐसा वाला एक पेज ओपन होगा जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी हुई थी वो अपियर हो जाएगी। जो डिटेल अपियर नहीं होती वो आप मैन्युअली फिलअप कर दो। सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कभी काम में आएगा जब आप बाय चांस अगर आपका पासवर्ड भूल गए हो और आपको रीसेट करना है, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स आपको, अगर कोई भी डिटेल्स मिसिंग है फॉर्म के अंदर अपियर नहीं हो रही, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। और फिलअप करने के बाद सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करो। सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वापस से वही लॉगिन आईडी पासवर्ड वाला पेज अपियर होगा। अगर पहली बार में आपने नोट डाउन नहीं किया है तो यहां पे आके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करो। गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा वाला एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जनरेट होगा, वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चीजें वेरीफाई हो जाएगी। अगर बाय चांस आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है तो आपको क्या करना रहेगा, नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करके उसको बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन नवंबर 2020 देख सकते हो, और बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको वही का वही प्रोफाइल वाला पेज ओपन होगा जो आपने पहले डिटेल्स फिलअप की थी, वही का वही यहाँ पे आएगी। सिंपली सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करो सारा कुछ चीजें वेरीफाई करने के बाद। सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको बोलेंगे कि आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डिक्लेरेशन फॉर्म है या तो बैंकिंग डिटेल्स है पेमेंट करने के लिए। ये सारी चीजें अपने हाथ में रखना ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करो। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स है सीपीटी टू फाउंडेशन के अंदर कन्वर्ट किया है तो यस करना है। जैसे नवंबर 2020 वाले जो लोग हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कभी भी सीपीटी टू फाउंडेशन कन्वर्ट नहीं किया तो वो लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो नो पे क्लिक करेंगे। अगर किसी ने सीपीटी से फाउंडेशन के अंदर कन्वर्ट किया तो यस पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई भी चार डिजिट का आप नंबर इनपुट कर सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसमें आपको क्लिक करना है ऑलरेडी पास। आपकी जो ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन है वो आपने ऑलरेडी पास किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पास के ऊपर क्लिक करना है। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईयर ऑफ क्वालिफाइंग ऑब्वियसली 2020 होगा क्योंकि मार्च 2020 के अंदर आपने क्वालिफाई किया। जो प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मई 20 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ अलग ईयर आएगा। तो यहाँ पे आपने जिस भी ईयर के अंदर आपने एग्जाम दी है वो ईयर मेंशन करना है। नीचे रोल नंबर, रोल नंबर मतलब आपका जो सीट नंबर, उसमें आपको जो अल्फाबेट है वो नहीं लिखना है, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर्स लिखना है। तो आपका सीट नंबर यहाँ पे लिख लो। एंड बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसके अंदर आपका जो भी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है, वो वहां पे मेंशन करना रहेगा। डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंसेस के अंदर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अगर आपने कोई भी एक अटेम्प्ट दिया हुआ है फाउंडेशन का तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी रहेगी। सेंटर सिलेक्शन के अंदर आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो भी नजदीक पड़े वो आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे ही सिटी या जोन सिलेक्ट करोगे तो बाजू में उसका जो भी सेंटर है वो ऑटोमेटिकली अपियर हो जाएंगे, तो आपको जो भी नजदीक पड़े, आपको जो भी कन्वीनियंट हो वो सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मीडियम ऑप्टेड के अंदर आपको सिलेक्ट दो ऑप्शंस मिलेंगे, हिंदी या तो इंग्लिश। आपको जो भी मीडियम के अंदर आपको एग्जामिनेशन देनी है वो मीडियम आपको सिलेक्ट कर देना है। नीचे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कौन सा आएगा, जो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, और वो आपको फिलअप करने के बाद, सीए का साइन स्टैम्प करने के बाद उसकी जो स्कैन कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रखना अपलोड करते टाइम जो नीचे कंडीशन दी हुई कि 100 से 300 केबी के बीच में ही उसकी इमेज साइज होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसकी इमेज साइज नहीं होनी चाहिए। तो अगर बाय चांस ये इमेज साइज सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप रीसाइज करके भी उसको अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिख रहा है सेव एंड प्रीव्यू, तो आपको सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन फॉर्म की साइज जो है वो 100 से लेकर 300 केबीज के बीच में ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म दिखेगा।
तो आपको सिंपली ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेनी है कि सारी चीजें सही है या नहीं है, आपने जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है या आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की होगी। एक बारी वेरीफाई करने के बाद आई अग्री के ऊपर क्लिक करो और सीधा फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करो। फाइनल सबमिट करने के बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो ध्यान से ये सारी चीजें एक बारी पढ़ के उसके बाद सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट के ऊपर। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगी जिसमें बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है, जैसे पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या तो नेट बैंकिंग। आप उसमें से आपका जो भी कन्वीनियंट ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके मीन से आप पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल वाला पेज आ जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल के अंदर आपको ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन स्टेटस वगैरह सब दिखाई देगा। तो ये पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रेफरेंस के लिए कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ये पेज आ गया मतलब आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है। आपको सिंपली ये एग्जामिनेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास रेफरेंस के लिए रखनी है। वो कॉपी आपको कहां से मिलेगी, तो नीचे डाउनलोड पीडीएफ करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ जनरेट होगी जो आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, इसकी एक कॉपी आप ले सकते हो। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर जो फोटो और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली आपके जो दो फोटोग्राफ्स है, आपकी सिग्नेचर है, पेरेंट्स के सिग्नेचर है, वो मैन्युअली आपको यहाँ पे करके उसके बाद सीए का साइन और स्टैम्प करवा के आईसीआई सेंटर के पे जाके आपको ये फॉर्म मैन्युअली सबमिट करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोटो और साइन आ जाता है तो आपको मैन्युअली सबमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर जहाँ पे फोटो और साइन आपका नहीं आया है तो आपको ये मैन्युअली फोटो और साइन फिक्स करके आईसीआई की वेबसाइट पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो योर फॉर्म इज सक्सेसफुली फिल्ड अप, कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू अपियर इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.